दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 8 विकेट से जो है वो दे दी है मात, जहां पर इस मैच के हीरो रहे मिचेल मार्श, जिन्होंने कमाल की 77 रनों की पारी खेली। वहीं डेविड वार्नर जो है वो रहे मैन ऑफ द सीरीज। और यहां पर T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद अब IPL 2022 का मेगा ऑक्शन जो है वो आने वाला है, जहां पर इन दो प्लेयर्स की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली है। सबसे पहले बात करें अगर डेविड वार्नर की, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का जो है वो हिस्सा थे, जहां पर हैदराबाद की टीम ने इन्हें सबसे पहले कप्तानी से हटाया था और उसके बाद प्लेइंग 11 में भी इन्हें जो है वो मौका नहीं मिला था, जहां पर डेविड वार्नर ने खुद कंफर्म किया था कि हैदराबाद की टीम को वो छोड़ने वाले हैं और मेगा ऑक्शन का हिस्सा जो है वो बनने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इन्हें रिलीज करने से पहले 10 बार जो है वो जरूर सोचेगी और इनसे बातचीत कर इन्हें रिटेन भी जो है हैदराबाद की टीम कर सकती है, क्योंकि काफी सालों से हैदराबाद की टीम का जो है वो हिस्सा थे डेविड वार्नर। अपनी कप्तानी में 2016 का इन्होंने टाइटल जिताया था, सिर्फ एक सीजन इनका बेकार गया था और उसके बाद हैदराबाद की टीम ने इनके साथ बहुत ही बेकार बर्ताव जो है वो किया था। तो अब हैदराबाद की टीम अपनी गलती सुधार सकती है और डेविड वार्नर से बातचीत कर उन्हें रिटेन जो है वो कर सकती है। लेकिन अगर डेविड वार्नर रिटेन नहीं होते, अब वो छोड़ देते हैं हैदराबाद की टीम को, तो ये चीज कंफर्म है कि वो लखनऊ और अहमदाबाद इनमें से किन्हीं एक टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें कप्तानी करने का भी मौका मिलेगा और फर्स्ट रिटेन प्लेयर डेविड वार्नर हमें बनते हुए जो है वो नजर आएंगे। और इसके बाद अब बात करें मिचेल मार्श की, जो कि फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे, 77 रनों की पारी, वो भी सिर्फ 50 गेंदों में। और इसके बाद इनकी भी डिमांड IPL 2022 के ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली है, जहां पर दोस्तों इस समय ये हैदराबाद के स्क्वाड का हिस्सा है, जहां पर एक भी मैच ये खेल नहीं पाए थे, जेसन रॉय इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। ऐसे में हैदराबाद की टीम इन्हें कंफर्म जो है वो रिलीज करेगी, लेकिन ऐसे ही ये रिलीज होंगे, इनको यहां पर दो नई टीमों से ऑफर जो है वो मिल सकता है कि आप रिटेन होइए एज अ थर्ड प्लेयर, जहां पर 7 करोड़ रुपए इनकी प्राइस जो है वो हो सकती है। और अगर ये रिटेन नहीं भी होते, तब भी काफी सारी IPL की जो टीमें हैं मेगा ऑक्शन में मिचेल मार्श के पीछे जो है वो जाने वाली है और IPL 2022 में कंफर्म मिचेल मार्श हमें बिकते हुए तो नजर आएंगे ही। तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की जो डिमांड है IPL 2022 में वो बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली है। आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम खेलेंगे डेविड वार्नर, के हैदराबाद की टीम जब उन्हें रिटेन करने का ऑफर देगी तो क्या वो मानेंगे? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।